जगह की, डिप्टी कमिश्नर की, पुलिस की, रेंजर सबकी परमिशन लेकर हम गुज़श्ता कोई 30 साल से जब यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते थे उस वक्त हम यहाँ पढ़ाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुरान पढ़ा जा रहा कोई टेंशन नहीं, कोई फितना नहीं, कोई फसाद नहीं। लेकिन मकसूद मेमन जो हमारे टैक्सी से पलता है वो वर्दी पहनकर अपनी पूरी पुलिस को, पुलिस पर मैं हैरान हूँ उसके एहलकारों पर कि वो कुरान को रोकने के लिए लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, स्पीकर वाले को बेचारे को जदों को कर रहे हैं, बार बार अपनी मोबाइलें भेजकर कभी ये स्पीकर उतार रहे हैं, कभी वो उस पर, कभी चटाइयाँ खींच रहे हैं, औरतों को खवातीन के अंदर उसमें टेंट में घुस रहे हैं, लाउड स्पीकर बंद करवा रहे हैं। गुज़श्ता 3 दिन से उसने बदतमीजी की इंतहा की है और पुलिस गर्दी का बदतरीन मुजाहरा हो रहा है। और वो ये दावा करता है कि जनाब मैं जरदारी साहब को जानता हूँ। भाई जरदारी साहब नवाबशाह के हमारे भी पड़ोसी हैं, जरदारी साहब से भी मुखातिब हूँ, मोहतरम आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन ये जो पुलिस की काली वर्दी के अंदर ये जो भेड़ आपने हमारे ऊपर मुसल्लत की है, खुदा के लिए इसको रोकिए। ये शराब पीता है, शराब के नशे में आकर अपनी पूरी पुलिस फोर्स को मूव करके हमें टॉर्चर कर रहा है, हमें धमकियां दे रहा है, फिजिकली लोगों को हट कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है। कल रात को लाउड स्पीकर वालों को और जो इंतजाम है उन बच्चों को चमाटे मारे पुलिस ने आकर, कुछ भी हो हमारे SSP के आराम में खलल वाक़ ना हो। और इस जगह पे वो नाजायज़ कब्जा करके 2 साल से बैठा हुआ, ये अलॉट नहीं है उसको। तो मकसूद मेमन आज हद हो गई है, पूरे वक्त लोगों को आवाज़ नहीं आई कुरान की, तो लोगों ने मुश्तइल होकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर धरना दे दिया है। और जब तक मकसूद मेमन, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आपको अपनी सारी हुक्मरानी मुबारक हो, हम कुरान पढ़ने आते, ये जो है ये मकसूद मेमन ये यहाँ पर कुरान रोकना चाहता है, ये कुरान रोकना चाहता है। लेकिन कैमरा भी लगेगा, ऐसे नहीं होगा। अगर पड़ी है कुरान को, इस्लाम को मानते हैं, तो यकीनन मकसूद मेमन को नकेल डाले।